हैं, मेरे स्कूल के बच्चे तो बहुत खुश हैं क्योंकि मेरा स्कूल बिल्कुल खुले मैदान में चलता है और ये बच्चे दूध और चॉकलेट जो पी रहे हैं, आपको बता दूं कि मतलब जो बच्चों की संख्या आने की रहती थी, जैसे मान लिए 20 और 22, वो इस वक्त पूरी होल मतलब 100% हो गई है। मुझे अरे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक्चुअली बच्चों को खाना तो मिल रहा था, ये बच्चों को डेली दूध मिलने लगा ना, और चॉकलेट के साथ मिल रहा है, तो ये उनके घर वाले भी अब उनको लग रहा है कि अरे स्कूल में तो दूध आ गया, तो ये तो रोज मिल रहा है। अब उनको तो ये नहीं पता कि ये सरकारी है एनजीओ का, लेकिन मुझे बताना पड़ा। मैंने उनको बताया कि ये सरकारी योजना नहीं है, ये एक एनजीओ की योजना है। मैंने उनको डिब्बे पे दिखा के, हम लोग मीटिंग करते हैं, उनको बताया, उनके साथ ही साझा किया है, उनको दूध की मतलब उन लोगों को। हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं बड़े ही जागरूक टाइप के हैं, मतलब हमको बच्चे तक फोन करते हैं सुबह, तो आप ये समझ लीजिए कि गार्जियंस भी। मैंने उनको दिखाया कि अमूल का दूध है, तो अमूल के बारे में सभी लोग जानते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, तो सभी लोग बहुत खुश हैं। और उनसे ज्यादा मैं खुश हूँ कि मेरे स्कूल की उपस्थिति जो 80 और 90 के बीच में थी, वो 100% हो चुकी है सर। बहुत मतलब बढ़िया, सारे बहुत बच्चे प्रतिदिन स्कूल आ रहे हैं, और वो इसलिए आ रहे हैं अपना गिलास बड़ा गिलास लेके आ रहे हैं, सर हमको ज्यादा मिले, हमको ज्यादा मिले। तो ये जो दूध पी रहे हैं बच्चे हमारे, ये बड़े ही हैप्पी हैं, और आप लोग बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, बड़ा ही पुनीत कार्य कर रहे हैं। मैं बहुत ही आप लोगों को मैं बधाई दे सकता हूँ, और बाकी ये बच्चे दुआ देंगे आपको, इतना ही कहूंगा। ये बच्चे हमारे जो है, बस ये छुट्टी का समय हमारे यहाँ हो जाता है, हमारे यहाँ पूरा स्टाफ जानता है।